अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, मैं आप लोगों का टीचर सामा जी। आज डिस्कस करेंगे 12th मैथमेटिक्स का फाइनल प्लान कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आते हैं, कहां से आते हैं, क्या पेयरिंग होती है, क्या चांसेस हैं, कौन सी एक्सरसाइज है। तो कंप्लीट चीजें मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, वो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 में से, और 1 चैप्टर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ आपने 1.3 और 1.4 करनी है। अब ज्यादा चांसेस इन दोनों में से किसके लॉन्ग क्वेश्चन आने के हैं, तो 1.3 के 90% चांसेस हैं, 1.3 के लॉन्ग क्वेश्चन 1.3 में से आए 90% चांसेस होते हैं हर साल ही 1.3 के एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में से या उसका जो भी चीजें ना, मतलब उसमें से पेपर आना होता है। 1.3 से पहले आपका एक सैंडविच थ्योरम भी आता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है तो 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6 इन्हीं चारों में से लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, 2.3, 4, 5 और 6 इनके ज्यादातर चांसेस होते हैं इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपका आए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 3 और 4 में से। 3 पूरा नहीं आपने करना, ना 1 करनी है ना 2 करनी, बस आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3.3 और 3.4 करनी है। अगर इंपोर्टेंस की बात की 90% चांसेस की, तो दोनों के दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई चांसेस नहीं होते किसी में से आए, उसमें से आ रही है, उसमें से दोनों आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में से 4.3 और 4.5 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके अलावा किसी एक्सरसाइज में से नहीं आता। तो 4.3 और 4.5 में से सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, 4.3 के। 4.3 के ज्यादा चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन आने के, बहुत ही कम क्वेश्चन है लॉन्ग उसके, मतलब वही जो क्वेश्चन बनते हैं ना वहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर, दूसरों के साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि इस तरह की वीडियो उसको बेचारे को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलनी, तो आप उसका फायदा करेंगे, आपको भी स्वाब होगा। तो इसके बाद आपके आपका चैप्टर नंबर 3 भी हो गया और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 भी हो गया, तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको इस तरह की वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलनी। इंशाल्लाह क्वालिटी कंटेंट पूरे पाकिस्तान में यूट्यूब पे इंशाल्लाह हम लेके आएंगे 9th के लिए, 10th के लिए, 1st के लिए, 2nd के लिए। तो आप सब उन्हें सपोर्ट करना है, इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है, हर दोस्त फ्रेंड जानने वाले के साथ चीजों को शेयर करना है। चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है वो आना है 3। देखो 3 ऊपर भी आया, अब दोबारा 3 आ गया 3 में से और 5 में से। अब 3 में से कौन सी, 3.6 और 3.7, पहले था 3.3 और 3.4, अब 3.6 में से आएगा या 7 में से आएगा, और दोनों के चांसेस है इंपोर्टेंस के, मतलब यहां हम नहीं फाइंड आउट कर, जहां फाइंड आउट कर सकते हैं वहां आपका टीचर बताएंगे आपको कि भाई आपने ये करना है, जहां पे नहीं फाइंड आउट हो सकता वहां पे मैंने बता रही, दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इसके साथ चैप्टर नंबर 5 में बहुत ज्यादा आसान है 5.2 और 5.3 में से, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि 5.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आए पेपर में। मतलब यार गैस के पीछे ना भागो, गैस के पीछे अगर भागोगे तो आपका पेपर गलत हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो आप स्ट्रेटेजीज को, प्लानिंग को देखो, जिन बच्चों ने अभी तक पूरी वीडियोस और कोई नहीं देखी हुई, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, तर्जमतुल कुरान, हर एक सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस अपलोड की हुई, आप जाके चैनल के ऊपर देख सकते हो। सबने पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले जी। उसके बाद क्या है, चैप्टर नंबर आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 और 4 में से। अब देखो 2 भी पहले आ चुका है और 4 भी पहले आ चुका है, ठीक है। अब ये 2.7 और 2.9 में से है, लेकिन यहाँ पे चांसेस ज्यादा किसके हैं, 2.7 के हैं, 90% चांसेस होते हैं। मतलब 9 बोर्ड ना पंजाब के, उनमें से 9 में से 8 बोर्ड्स के अंदर चैप्टर नंबर 2.7 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कोई एक बोर्ड होगा मतलब जिसमें से वो 2.9 में से लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं। तो जो बच्चे कम टाइम में सिलेक्टिव स्टडी के साथ अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, या फिर वो थोड़ी सी एफर्ट लगा के 90-95 नंबर लेना चाहते हैं मैथमेटिक्स के, तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमने देखें इसको, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अगर हमने चैप्टर नंबर 4.3 और 4.5 पहले भी आ चुकी है, ये देखो इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 में 4.3 और 4.5 पहले भी आ चुका है। अब फिर क्या आ गया, 4.3 और 4.5, मतलब क्या कि मुफ्त के नंबर है आपके, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन के आने चैप्टर नंबर 4 में से। तो इसके साथ 2.7 2.9 आपने करनी, 4.3 और 4.5 जो है वो 4.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 को सारा ही करना है, यहाँ 3 एक्सरसाइजेज है, और चैप्टर नंबर 7 में से इन्हीं 3 में से आता है 7.3, 7.4, 7.5, और ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है
जो बच्चा रिस्क में जाना चाहता है और मेरी बात मान के स्मार्ट स्टडी करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइज को कर ले। अगर मुझसे को बच्चा पूछे कि मैं कौन से पेयर्स को करूं रेडी करूं, तो मैं उसे कहूंगा कि आप सबसे पहले पेयर करो पहले वाला रेडी, 1.3 1.4 बहुत ज्यादा आसान है, उसके बाद 2.4 2.5 2.6 बहुत ज्यादा आसान और इजी है, उसके बाद ये दो पेयर को, मतलब ये आप तो दो पेयर कर लो ना, ठीक है, ये दोनों पेयर आपने कर लेने, क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने कर लेने। उसके बाद अब ये देखिए दोबारा फिर 2 और 4 आ गए, इसको कर लो साथ 8 को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा पेपर आपको, क्योंकि 2.4.3 और 4.5 आपको पहले आती है और यहां से आपने 2.3 2.4 2.5 2.6 की होगी तो 2.7 2.9 भी आपको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको फार्मूले आते होंगे, वैसे क्वेश्चन होने हैं, तो आपके लिए दो लॉन्ग क्वेश्चन याद करना आसान हो जाएगा। तो मेरी टिप ये है, क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो और क्वेश्चन नंबर 8 करो। हाँ, आप में से कोई बच्चा 95 बाकिया ही टच करना चाहता है तो साथ में क्वेश्चन नंबर 7 3 और 5 भी कर ले, क्योंकि 3 आपने यहाँ किया होने लिखना चाह रहा आपको, तो यहाँ 3 करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वही आपको पता फार्मूले थोड़े बहुत चेंजेस होने हैं और चैप्टर नंबर 5 तो वैसे भी आपको आसान है, 5.3 बस आपने करने हैं, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, ठीक है, तो वही आ जाके 5.3 के 4-5 क्वेश्चन ही है बस, बहुत ज्यादा आसान पेपर आपको बन के आएगा। और 4.5 जो यहाँ पे होगी ना आपके, ये देखें 4.5 ये एक और ये दो, इसके आखिर वाले क्वेश्चन आपने करने, तीन या चार क्वेश्चन आखिर वाले स्टेटमेंट वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4.5 के, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत ज्यादा बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप वीडियो बनाए, मैंने बना दी है, कमेंट बॉक्स में अभी जाकर सब बच्चों ने बताना कैसी लगी वीडियो, दुआ में याद रखिएगा, आपको नीचे सामना, अल्लाह हाफिज। चले शाबाश शाबाश शाबाश, मैथ में हर बच्चे ने 100% 100 में से 100 लेके आने हैं, इंशाल्लाह लेके आने हैं, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय।